हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के बज रहे 8 और मैं कर रहा हूँ नए व्लॉग को स्टार्ट। अभी हम आ रखे हैं थोड़ा बाहर काम से और आप लोगों को रोड का व्यू दिखाता हूँ। अभी सुबह सुबह हल्द्वानी में बहुत ज़्यादा कोहरा लग गया है, आज फिर से ठंड हो गई है। कभी कभार धूप आ जा रही है, कभी ठंडा हो जा रहा है, लेकिन देखो दिन तक धूप आ सकती है, जैसे कल भी आ गई थी। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या सुंदरकांड है, तो अभी हम लोग सब मिलके प्रसाद बना रहे हैं और हमने प्रसाद पहले ही बना दिया था, तो उसमें अब हम लोग इसे प्रसाद के थैलों में डाल रहे हैं, कागजों में। तो देखिए आप लोग, पुए भी डाल रहे हैं, हम लोग सिंगल भी डाल रहे हैं, सब पहाड़ी डिशेस है और बिल्कुल प्रसाद बनने ही वाला है हम लोगों का। तो अभी हमारी पैकिंग का काम चल रहा है, तो आगे का कार्यक्रम आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या सुंदरकांड है, तो उस वजह से अभी हमारा खाने का कार्यक्रम पहले से ही तैयार कर रहे हैं। हम लोगों ने खाने का व्यवस्था कर रखी है और देखिए अभी सब्जी काटी जा रही है और बाकी सामान रखा है इधर पे खाने का। तो देखिए अभी गोभी काट रहे हैं भैया, तो थोड़ी देर में खाने की सामग्री रेडी हो जाएगी और चलते हैं और आगे दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या हुआ हमारे सुंदरकांड में, कैसा जाएगा हमारा सुंदरकांड। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ फ्रेंड्स। और देखिए हल्द्वानी का मौसम सुबह सुबह कितना भयंकर कोहरा आ गया है, ठंडा हो रहा है अभी तो बहुत ही ज्यादा। चार्ली फ्रेंड से देखो चार्ली को, और ये दिव्या में हेलो बोल। सुबह सुबह कोहरा लगाया है और पंडित जी भी आ गए हैं, और ये देखो चार्ली देख रहा है कौन आया। फ्रेंड्स, धूप भी आने वाली है, देखिए कितना बढ़िया मौसम हो गया। यहाँ पे खाना भी बनने लग गया है, कौन सी बन रही है सब्जी, गोभी की मिक्स वेज ना। अच्छा, और इसमें दाल, और ये चावल रख रखे हैं, मसाले रखे हैं। फ्रेंड्स, आज ताई जी लोग जा रहे हैं लखनऊ को, तो अभी ये लोग जा रहे हैं हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन, गाड़ी में हम लोग सामान रख रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके बाय। फ्रेंड्स, मुझे इतनी प्यारी सी बिल्ली मिली है, ये देखिए बिल्लू कैटू, ये देखो कितनी क्यूट लग रही है। तो मंगू भाई आ रहा है, अभी हम मन्नू दी क्या आ रखे हैं, ताई जी लोगों को इधर ही से छोड़ेंगे तो मंगू भाई बिल्ली पकड़ेगा। पकड़ दो। मैं नहीं पकड़ रहा हूँ, काटती नहीं है, नहीं काटती है, पालतू है इनकी, भाग गई। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए काठगोदाम के रेलवे स्टेशन में, ये देखिए, और ये ताई जी लोगों का सामान है, अब इन्हें छोड़ने जा रहे हैं। हेलो करो। हेलो। हेलो, हाय। तो मैं पकड़ लेता हूँ सामान, तो चलते हैं अब छोड़ते हैं। देखिए रेलवे स्टेशन का इतना प्यारा सा नज़ारा, और हम जा रहे हैं लखनऊ वाली ट्रेन में, काठगोदाम से लखनऊ की ट्रेन में। तो ये ट्रेन है लखनऊ वाली,
और हमें S2 में जाना है, तो चलिए चलते हैं। ट्रेन तो लगी रहती है, लगी रहती है। हाँ देखिए रेलवे स्टेशन का नजारा, देखो इतनी लंबी ट्रेन है और हमें कितना आगे जाना है, तो अभी हमें थोड़ा टाइम लगेगा आगे पहुंचने में। और ताई जी चल रही है, दोनों ताई जी अब ताई जी को गुड बाय कहते हैं, 4-5 दिन बाद मिलेंगे ताई जी लोगों से। तो हम लोग पहुंच गए हैं बर्थ में, ये S2 है। तो देखिए कितने बढ़िया पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ से, पहाड़ों के बीच का रेलवे स्टेशन। तो अंदर देख के आते हैं हम लोग। फ्रेंड्स हम लोग आ गए ट्रेन के अंदर, देखिए तो सामान रख देते हैं अब। 49, 50, 51, 52 तो ये सीट है हमारी, ताई जी लोग ये सीट है। और हमने सामान भी रख दिया है इनका, 51 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
जाते हैं घर को, ये ताई जी है, मिलते हैं चार दिन बाद। अब चार पांच दिन बाद जब ये लोग लखनऊ से आएंगे फिर मिलेंगे, तो घर जाके पूजा भी है और ये देखो ताई जी भी आ गई सामान लेके। विंडो देखो कितनी बढ़िया है। तो ताई जी है खिड़की वाली सीट की शौकीन, अभी इतनी धूप पड़ी है तो ताई जी का गोरा मुखड़ा भी नहीं दिख रहा है अच्छे से, तो मैं दिखाता हूँ। ये देखिए अब दिखा इतना बढ़िया से। सुन रहे हो, दोनों दोनों बहने हैं, एक बहन टॉफी मंगा रही है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जा रहे हैं और ये ताई जी लोगों को बाय करते हैं। बाय करो, बाय सबके सब बाय। आओ तुम, आओ तुम हमारे साथ, हमारे साथ ही आना है। इधर से दिखाता हूँ, इधर से अच्छी दिखेगी ताई जी, आंखों में आंसू आ रहे हैं, आ रहे हैं। चार पांच दिन बाद मिलेगी हमें ताई जी, तो बाय करते हैं। हम रोने वाले हैं, अभी नहीं रोएंगे, वो तो नहीं रहा, मुंह तो रोने जैसा नहीं हो रहा। तो उसकी ताई जी को भी करते हैं बाय, बाय, टप टप कर रहा है, मिलेंगे। और आप लोगों को हैप्पी जर्नी, थैंक यू, थैंक यू, बोलो हैप्पी जर्नी, थैंक यू। तो चलो फिर चलते हैं अब, बाय बाय, प्रणाम कर देते हैं। ठीक है, चार पांच दिन बाद आएंगे फिर मिलते हैं, हंसते हंसते अलविदा कह दिया हमने, बाय। तो अब मैं जा रहा हूँ ट्रेन से बाहर। शरणागत वत्सल भक्त्या समर्पयेभ्यम इदम् आवरण अर्चन। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं सुंदरकांड के लिए रेडी हो चुका हूँ। ये देखिए मैंने कुर्ता पजामा पहन रखा है अभी, तो अब दिखाता हूँ आप लोगों को सुंदरकांड की पूजा। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ, और अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को। फ्रेंड्स अभी दिव्यम पतंग उड़ा रहा था, तो देखो क्या हुआ है, इसकी चरखी टूट गई पूरा, और ये धागे को बचाना पड़ेगा अब। तो पतंग उतार जल्दी, उसके बाद धागे को लपेट किसी लकड़ी में, ठीक है। नमः। ओम बाराहाय नमः। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम नरसिंहाय नमः। ओम नरकांतकाय नमः। ओम अव्यक्ताय नमः। ओम शाश्वताय नमः। ओम वैष्णवे नमः। ओम अनंताय नमः। ओम अजाय नमः। ओम अभियाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम आनंद निर्वाय नमः।
फ्रेंड्स अभी हम लोग छत में ध्वजा लगा रहे हैं। ये हनुमान जी की ध्वजा है, राम जी हनुमान जी की, तो इसमें लिख रखा है जय श्री राम। ये देखिए आप लोग, तो जोर से बोलिए जय श्री राम और कमेंट्स में भी लिखिए जरूर जय श्री राम। तो पंडित जी और भाई लगा रहा है ध्वजा, ये देखिए हमने बांध दी है ध्वजा में, घंटी भी लगाई हमने। जय इष्ट देवता की, जय हनुमान जी की, जय राम जी की। जय श्री राम। Yeah.
सब सुंदरकांड पूरा हो गया है और प्रसाद वितरण हो रहा है, तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ और देखिए इस वीडियो को एंड तक और सुंदरकांड का फल आप लोगों को ही मिले। और जय हनुमान जी की, जय राम जी की। नाना जी, मामा ने केला खा दिया है अब। अब मैं खा चुका दो। अबे क्यों मत डालो? वॉइस ओवर देना पड़ेगा। क्या आदमी है फ्रेंड्स। सब पूड़ी तली जा रही है और सब्जी भी बनके रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए आप लोग, हमारा कढ़ाई पनीर बनके तैयार हो चुका है और साथ ही हम लोगों ने बनवा रखी है दाल मखनी और बाकी सैलेड वगैरह और बूंदी का रायता और बाकी खीर बनवा रखी है। तो यही सब है आज के खाने में। तो प्रसाद हुआ है आज सुंदरकांड का, तो अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर से लाइक करिए। फ्रेंड्स अब हम लोग अपनी बलेनो कार का टायर चेंज करवाने आ रखे हैं क्योंकि हमारे टायर में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। तो देखिए अभी इन्होंने टायर निकाल दिया है, अब दूसरा टायर फिट करेंगे। तो हम लोगों ने जेके टायर ले रखा है। ये टायर की कॉस्ट हम लोगों को 5400 पड़ी है और इस टायर की खास बात यह है कि 2 साल की वारंटी मिली है और ऑल ओवर इंडिया कहीं भी अगर ये फट जाए, इसमें कुछ दिक्कत आ जाए तो कहीं भी चेंज हो जाएगा, जहाँ भी जेके की शॉप होगी। तो उसी वजह से हमने ये वाला टायर लगवाया और इसकी क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है। तो देखिए आप लोग, अभी हवा भरी जा रही है और कुछ ही देर में टायर फिट करेंगे सरदार जी। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ एंड तक। तो फ्रेंड्स देखिए अब हमारा नया टायर भी लग चुका है और ये भी हम लोगों ने अलॉय व्हील में लगा रखा है क्योंकि हमारी बलेनो जेटा वर्जन की थी और इसमें अलॉय व्हील है। तो बाकी स्टेपनी का टायर भी इसमें छोटा ही था और बाकी टायर के कंपैरिजन में स्टेपनी छोटी है और बाकी टायर ऊंचे है, तो उस वजह से हम लोगों को इसमें यही टायर लगाना पड़ा। तो देखिए आप लोग, अभी फिटिंग की प्रोसेस चल रही है। फ्रेंड्स सब टायर लगवाने के बाद हम लोग पहुंच गए अपनी कार की हेडलाइट चेंज करवाने, क्योंकि हेडलाइट में भी हमारी बीम लाइट बहुत हल्की आ रही थी तो उस वजह से हम लोग लाइट चेंज कराने आ गए। और देखिए अभी हमारे हेडलाइट के बल्ब चेंज हो रहे हैं और अभी तक बहुत डिम लाइट आ रही थी, बहुत ही हल्की लाइट आ रही थी। और चेंज करने के बाद देखिएगा आप लोग कैसी लाइट आती है और रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि लाइट सही लग रही है नहीं लग रही है। और इसके साथ हमारी हेड के साथ फॉग लाइट भी सही होगी और ये बहुत मस्त है गाड़ी के लिए, क्योंकि जब भी कोहरा लगता है हम लोगों को बहुत ज़रूरी है फॉग लाइट और हेड लाइट के सारे हम लोग आगे का देख पाते हैं। तो देखिए अब इतनी अच्छी बीम आ रही है, मज़ा आ गया अब लाइट्स में। फ्रेंड्स हमारी गाड़ी की लाइट ख़राब हो रही थी और ये फॉग लाइट है।
एक फॉग लाइट देखो हमने चेंज करा दी है, इतनी तेज आ रही है, और दूसरी वाली जली नहीं रही थी, तो दूसरी भी चेंज कराते हैं, उसके बाद रिजल्ट दिखाते हैं आप लोगों को। बाकी अंदर दो, अंदर दो, फ्रेंड्स हमारी चाय आ गई है, देखिए अब इधर गाड़ी सही करवाते टाइम मामा के फ्रेंड की दुकान में आए हैं हम, सरदार जी की सिर्फ तरन शॉप। तो गाड़ी सही कराते टाइम भी नैताल रोड में खड़े होके चाय की चुस्की लेने में जो मज़ा आता है फ्रेंड्स, फीलिंग ही गजब है। तो देखो रिजल्ट देखो, हमने दूसरी फॉग लाइट भी चेंज कर दी और देखो कितनी बढ़िया लाइट चमक रही है अब, तो हमें कोहरे में कोई दिक्कत नहीं होगी चलाने में। और बाकी देखिए नैताल रोड का नज़ारा। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी कार में ये फिलिप्स की लाइट लगी है और देख सकते हैं आप लोग इसकी डिटेल्स। फ्रेंड्स मैं आज के ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और आप लोगों को सुंदरकांड कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए हमें, और आप लोगों का साथ ऐसे ही चाहिए हम लोगों को, तो बने रहिए हमारे साथ। और हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोगों से हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।